हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 160, जो कि 4V मॉडल है। तो चलिए जानते हैं क्या प्राइस है, क्या माइलेज है और किस फीचर के साथ आती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा रिलायबल हीरो धनबाद, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प की है। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हेडलाइट से शुरू करूँगा। हेडलाइट आपको LED में मिल जाती है देखने को, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, थोड़ा रोबोटिक दिख जाएगा आपको देखने को। एक बार मैं इसकी DRL ऑन कर देता हूँ। कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाती है DRLs, मैं एक बार क्लोज से दिखा देता हूँ। आपको साइड में DRL मिल जाती है, हाई बीम लो बीम LED में मिल जाते हैं आपको देखने को। और उसके ऊपर में आपको हीरो की 3D में बैजिंग मिल जाती है क्रोम फिनिश में। और इसके ऊपर आपको नंबर प्लेट अटैच करने के लिए अटैचमेंट मिल जाते हैं, और इंडिकेटर आपको साइड में मिल जाते हैं देखने को। और इंडिकेटर की बात करें तो आपको LED देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये ऐसा कुछ मिल जाता है फ्रंट से आपको लुक। और मड गार्ड की बात करें तो आपको डुअल फिनिश में मिल जाती है देखने को, ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन है। और फ्रंट सस्पेंशन आपको कुछ ऐसा मिल जाता है टेलीस्कोपिक, नीचे में आपको मैट फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और डिस्क ब्रेक की साइज़ की बात करूँ तो आपको 276 mm की मिल जाती है। और ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, आपको यहाँ पर सिंगल चैनल ABS का स्टिकर मिल जाता है। और टायर साइज़ की बात करें तो आपको देखने को मिल जाती है 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको। और ऐसा कुछ आपको ग्राफिक वर्क मिल जाता है रेड में, एक यहाँ पे मिल जाती है, एक ऊपर मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और आते हैं साइड लुक पे, तो साइड लुक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। पूरी गाड़ी ग्लॉसी और मैट फिनिश में है, ब्लैक कलर, और रेड में आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे टैंक में आपको एक्सट्रीम की 3D लोगो मिल जाती है, हीरो की बैजिंग मिल जाती है स्टिकर में। और ऐसा कुछ मिलता है आपको, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे मैट फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको 160 की बैज मिल जाती है स्टिकर के फॉर्म में, यहाँ पे आपको रेड स्टिकर मिल जाती है जो कि काफ़ी स्पोर्टी बना रही है, और यहाँ पे आपको हल्का सिल्वर फिनिश मिल जाता है ग्रे टाइप में। और फ्यूल टैंक की बात करूँ कैपेसिटी की, तो आपको 12 लीटर की देखने को मिल जाती है। और माइलेज की बात करो तो आपको 40 से 50 मिल जाती है देखने को, जो कि काफ़ी अच्छी है 160 के हिसाब से। और बात करें इंजन की, तो आपको देखने को मिल जाती है 173 cc सिंगल सिलेंडर 4 valve 4 stroke एयर कूल्ड इंजन मिल जाती है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो आपको मिल जाती है 16.9 HP, जो कि 8500 RPM पर डिलीवर करती है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो आपको देखने को मिल जाती है 14.6 Nm, जो कि 6500 RPM पर डिलीवर करती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ऑयल कूलर का बैज मिल जाता है देखने को। और इंजन की कुछ ऐसी लुक मिल जाती है आपको, हेड जो है आपको हेड कवर मिल जाता है कॉपर में, कॉपर कलर। और यहाँ पे आपको 4 valve की स्टिकर मिल जाती है, कुछ ऐसा आपको मिल जाता है बैली, इंजन बैली। और साइलेंसर में आपको कैटलेटिक कन्वर्टर ऐसा कुछ मिल जाता है देखने को। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाती है 165 mm, जो कि काफ़ी अच्छी है इंडियन रोड के हिसाब से। और इसमें आपको सेंटर स्टैंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और आपको ऐसा कुछ मिलता है साइड से लुक, यहाँ पे आपको FI की बैज मिल जाती है देखने को, आपको फ्रंट फुटरेस्ट ऐसा कुछ मिल जाता है देखने को, और ब्रेक पैडल ऐसा कुछ मिल जाता है आपको देखने को। और साइलेंसर ऐसा कुछ मिलता है आपको, शॉर्ट साइलेंसर, जो कि डुअल फिनिश में आपको मैट ग्रे में और ब्लैक में मिल जाती है। एक बार मैं इंजन का साउंड सुना देता हूँ आपको। इंजन का साउंड आपने सुन ही लिया, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। और बात करते हैं रियर फुटरेस्ट की, तो आपको इसमें ऐसा कुछ मिल जाता है देखने को, और साइड से ऐसा कुछ लुक मिल जाता है। साइड पैनल में आपको हीरो की स्टिकर मिल जाती है रेड में। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि पैडल डिस्क ब्रेक है। और रेयर टायर की साइज़ की बात करें तो आपको देखने को मिल जाती है 130/70 R17 inch, आपको इसमें रेडियल टायर मिल जाते हैं देखने को। और रेयर में भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, साइड में आपको 160R की मिल जाती है ग्राफिक, कुछ ऐसा लुक मिलता है आपको देखने को। बात करें रेयर सेक्शन की, तो आपको इसमें LED में बैकलाइट मिल जाती है, टेल लाइट। और इसके नीचे आपको ऐसा मडगार्ड मिल जाता है देखने को मैट फिनिश में। यहाँ पे आपको LED में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है आपको, जो कि हैलोजन में। उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाती है, जो कि सेफ्टी के तौर पर सही है। यहाँ पर आप नंबर प्लेट अटैच कर सकते हैं अपना, कुछ ऐसा लुक मिल जाता है आपको।
और ग्रैब हैंडल आपको कुछ ऐसा मिल जाता है स्प्लिट में दोनों साइड, जो कि काफ़ी अच्छी है। और सीट की बात करूँ तो सीट आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है दोनों के लिए, पिलियन और राइडर के लिए। और सीट हाइट की बात करूँ मैं तो 795 mm की मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। और इस साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसा लुक मिलता है आपको। और रियर फुटरेस्ट कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे आपको चेन कवर, हाफ चेन कवर मिल जाती है जो कि फाइबर में है, प्लास्टिक फाइबर। और कुछ ऐसा स्विंग आर्म आपको मिलता है बॉक्स टाइप। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको वाइट कलर में मिल जाती है, जो कि मोनो सस्पेंशन है। और फ्रंट फुटरेस्ट कुछ ऐसा मिल जाता है, और आपको इसमें 5 गियर मिल जाती है जो कि हीरो की तरफ से आती है, जो कि काफ़ी स्मूथ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी है सेफ्टी के हिसाब से। और कुछ ऐसा लुक मिलता है साइड से आपको, दूसरी साइड से। यहाँ पे आपको ऑयल कूलर के लिए रेडिएटर मिल जाती है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाती है आपको देखने को, इस साइड से कुछ ऐसा लुक है। 4 वाल्व की बैजिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। और अब बात करते हैं मीटर की, तो एक बार मैं ऑन कर देता हूँ मीटर, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है देखने को, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूल गॉज मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाती है जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मोड बटन से, ट्रिप ए ट्रिप बी कर सकते हैं, ओडो मिल जाती है आपको देखने को। और नीचे में आपको वार्निंग लाइट्स मिल जाती है, लो फ्यूल, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल, इंडिकेटर और ABS की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको बटन मिल जाती है मीटर एक्सेस करने के लिए। और मैं मीटर के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। इसमें आपको कॉल मिल जाती है देखने को, SMS दिख जाती है मिलने को। तो इसमें आपको इग्निशन अलर्ट का भी फीचर मिल जाता है, पैनिक अलर्ट भी मिलता है, जो कि यहाँ पे SOS बटन से आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी को अपनी बाइक देते हैं और वो ओवर स्पीड करता है तो उसका भी अलर्ट मिल जाता है आपको। अगर आपकी बैटरी कोई रिमूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसका भी अलर्ट मिल जाता है, जो कि कनेक्टेड फीचर में आपको मिल जाता है ये सारी फीचर्स। और जब ये आप गाड़ी लेंगे तो आप अपना नंबर रजिस्टर करवा के कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। इसमें आपको हीरो की 3D लोगो मिल जाती है। और हैंडल आपको कुछ ऐसा मिल जाता है देखने को। और बात करें स्विच गियर की, तो आपको ऐसा कुछ स्विच गियर मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ आपको इंडिकेटर की स्विच मिल जाती है, यहाँ हाई बीम लो बीम की स्विच मिल जाती है, यहाँ पे आपको पास स्विच मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हॉर्न स्विच मिल जाती है, और मिरर कुछ इस प्रकार की मिल जाती है। और क्लच आपको काफ़ी लाइट मिलता है इसमें। और बात करें दूसरी साइड की, तो आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिल जाती है इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच, और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट मिल जाती है। एक बार मैं हज़ार्ड लाइट का लुक दिखा देता हूँ आपको, तो ऐसा कुछ हज़ार्ड लाइट दिख जाती है आपको। ओवरऑल वेट की बात करें गाड़ी की, तो आपको देखने को मिल जाती है 145 kg, जो कि काफ़ी लाइट वेट है और इंडिया की फास्टेस्ट 160 cc बाइक है। प्राइस की बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाती है एक्स शोरूम दिल्ली 1,32,800 rupees। और प्राइस सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है, आप अपने नज़दीकी डीलर से पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रही है। सो, इसी टॉपिक के साथ वीडियो एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।